आईपीएल के नेक्स्ट सीजन का हो गया है पहला ट्रेड मयंक मार्कंडे दिल्ली कैपिटल्स में और पहुंच गए हैं शर्फन रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस में. एंड लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दी एशेस. हैशटैग आकाशवाणी हैशटैग एशेस हैशटैग दी आईपीएल. इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट मयंक मार्कंडे पहले, क्योंकि मुंबई इंडियंस की खासियत क्या है. इनकी खासियत यह है कि ये खिलाड़ियों को तलाशते भी हैं, तराशते भी, और यही काम इन्होंने किया था मयंक मार्कंडे से पिछले साल नहीं पर उसके पिछले साल जब शुरुआत में उनको मुकाबला खिला दिया अननोन कमोडिटी पंजाब का ये खिलाड़ी. और पहले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी, 3 विकेट जिसमें से एक था महेंद्र सिंह धोनी का विकेट. अंदर आने वाली वो गूगली थी जिसको उन्होंने बिल्कुल बीट किया, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बैट्समैन को बीट किया. अंत में जीता जरूर चेन्नई, लेकिन मयंक मार्कंडे ने अपनी छाप उस मुकाबले पे भी लगाई, लगातार अच्छा किया और इतना अच्छा किया कि वो इंडिया के लिए खेले. तो फिर मुंबई इंडियंस वेल डन, ये काम अच्छा किया. लेकिन अब उस टीम में राहुल चाहर होते हैं, तो राहुल चाहर अब उनके प्राइमरी स्पिनर बन गए. कृणाल पांड्या उनके साथी रहते हैं, अनुकूल रॉय एक और स्पिनर के रूप में उनके पास विकल्प मौजूद है, लेकिन उसके अलावा कुछ ज्यादा विकल्प है नहीं. तो आई एम स्लाइटली सरप्राइज कि ऐसा कौन सा एस अप देयर स्लीव है, कौन सा रैबिट आउट ऑफ द हैट निकालने वाले हैं जहां पर अचानक एक और स्पिनर आने वाला है, क्योंकि आएगा. क्योंकि ये टीम ऐसा काम करती है, ये बड़े प्लानिंग के साथ काम करते हैं. इनके जो ट्रेड्स हैं, इनके जो एक्विजिशन हैं, खराब नहीं जाते. तो हो सकता है कि कुछ ही ऑलरेडी सोच रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा देयर स्लाइटली लाइट ऑन द स्पिन डिपार्टमेंट. फिर भी उन्होंने स्पिनर को जाने दिया, वेल दे नो इट बेस्ट. पर अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पे अमित मिश्रा भी हैं, संदीप लामिछाने भी हैं, और तीसरे लेग स्पिनर के रूप में इन्होंने मयंक मार्कंडे को रखा. वहां पे अक्षर पटेल भी है, राहुल तेवतिया भी है, एक्चुअली 4 लेग स्पिनर हो गए यार. मतलब इतने सारे स्पिनर्स वो क्यों रखना चाहता है दिल्ली, जबकि अमित को पूरा सीजन नहीं खिलाया, संदीप लामिछाने को पूरा सीजन नहीं खिलाया, राहुल तेवतिया को नहीं खिलाया. और ऐसे में अगर मयंक मार्कंडे भी अपने पास आ जाए तो फिर उस खिलाड़ी का करेंगे क्या? क्या वो जो फिरोशा कोटला की पिच है उससे बिल्कुल डस्ट बोल रैंक टर्नर की उम्मीद कर रहे हैं? पिछले साल भी थी काफी टर्निंग पिच, लेकिन उसी पिच पे अगर आप अपने जो मेन स्पिनर्स हैं सबको नहीं खिला पा रहे तो फिर एक और स्पिनर का क्या करेंगे? वेल वी शैल फाइंड आउट. तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये ट्रेड है शर्फन रदरफोर्ड. ये बात तय है कि मुंबई इंडियंस को वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पसंद है, उनके लिए वो अच्छा भी करते हैं और उनके में वो निवेश भी करते हैं. शर्फिन रदरफोर्ड एक नया एक नाम जुड़ा है जो कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, और थोड़ी सी वो गेंदबाजी भी करके देंगे. कहाँ बैटिंग करेंगे, कितने मैच खेलेंगे, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि चाहेंगे वो यही कि थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में बैटिंग मिले. अगर वो मिल जाती है तो काम बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोअर ऑर्डर तो वैसे भी कृणाल पांड्या हैं, पांड्या ब्रदर्स हार्दिक एंड कृणाल, एंड देन कारन पोलार्ड, तो वो थोड़ा सा इनका लोअर ऑर्डर तो वैसे है ही मजबूत. तो अब ऊपर क्या जगह अवेलेबल हो पाएगी, क्या सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, क्विंटन डीकॉक, इनके ऊपर थोड़ा दबाव डालेंगे शर्फन रदरफोर्ड? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए. बाकी भी ट्रेड्स होंगे, इसकी बारी में हम चर्चा करते रहेंगे. तो ये तो बात हुई आईपीएल की. नेक्स्ट सीजन में जो होगा वो मजेदार होगा. पर अब चलते हैं, बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की सबसे ओवररेटेड सीरीज दी एशेस. एक समय था बहुत अच्छी होती थी सीरीज और हम बड़ा बेटेड ब्रेड से देखते थे, लेकिन अभी क्या होता है, अब 2005 की एक सीरीज मुझे याद आती है जो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज दैट आई हैव विटनेस्ड. लेकिन उसके बाद क्या हुआ बॉस, हर दूसरे साल आप खेलते हैं, घर पे खेलते हैं, वहां जाते हैं, जो घर पे खेलता है वो शेर रहता है, जो बाहर जाता है वो ढेर हो जाता है. और ये कहानी इंग्लैंड की भी है, ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की भी है, और यही हो रहा है. लास्ट टाइम इंग्लैंड में आके ऑस्ट्रेलिया कब जीता था एशेस, बहुत लंबा समय हो गया. सेम इज द केस विद इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जीतते नहीं है यार. तो फिर इस सीरीज से क्या उम्मीद है कि होम टीम जो है वही बुली करने वाली है? मुझे लगता है कि बेहतर खेलेगी. पलड़ा जो है वो झुका हुआ है इंग्लैंड के पक्ष में. अगर मैन टू मैन मार्किंग करें, एक तरफ है टिम पेन, सामने है जो रूट. अब जो रूट को अपने स्थान के लिए लड़ नहीं रहे, लेकिन टिम पेन के ऊपर दबाव रहेगा, क्योंकि उनके पास अब पीछे दबाव डालने वाले मैथ्यू वेड भी मौजूद रहेंगे. तो फिर दबाव यहां पर होने वाला है. आप ज्यादा स्पिनर्स नहीं है. एक और खास बात है कि नेथन लैंड के अलावा कोई ज्यादा बैकअप नहीं है. वो लाबुशेन थोड़ी सी लेग स्पिन डालते हैं, पर टेस्ट मैच स्टैंडर्ड में एशेज के लिए क्या आप उनको एक विकल्प के रूप में रखेंगे? आई डोंट थिंक सो. एंडरसन ब्रॉड, खास तौर से एंडरसन, मे बी इज लास्ट एशेज एट होम, शायद डेफिनेटली द लास्ट एशेज एट होम, हो सकता है लास्ट एशेज एवर. तो ये एक अच्छा करेंगे. ड्यूक्स की गेंद रहेगी तो दबाव वो बना के रखेंगे विपक्ष के ऊपर. जीतने कौन वाला है? वैसे मुझे लगता है बेन स्टोक्स की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है सीरीज. जिस तरह से वर्ल्ड कप में खेले हैं ऐसी उनकी एशेज भी रहने वाली है. सो ही विल बी माई टॉप क्लास परफॉर्मर. और Who am I going with? I'm going with the host. मुझे लगता है कि इंग्लैंड अच्छा करेगा, इंग्लैंड इस सीरीज को जीतेगा. वो जो कह रहा है कि होम डोमिनेशन है वो चलता रहेगा. टेस्ट मैच, वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसके 5 मुकाबले में 120 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं 24 अंक पर जीत के लिए. तो 120 तक तो खैर दोनों में से कोई टीम पहुंचने वाली है नहीं, लेकिन ज्यादा अंकों के साथ समाप्त करेगी इंग्लैंड. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी में आज बजाई दीजिए.